फिलहाल तो प्यार इश्क मोहब्बत मुझे हो चुका है लड्डूवन के साथ भी। आज गीत का व्रत होता है ना, तो मुझे ज्यादा खुशबू आती है, और जहाँ खुशबू आती है वहाँ एक ऐसी शख्सियत की बात जुबान पर आती है जो कि ट्राई सिटी की नहीं पूरे इंडिया की बहुत ही फेमस शख्सियत है। एंड वी आर सो प्राउड कि वो मेरी 16 ऑलवेज है, बिंदास बेफिक्रन। यस, वेरी ब्यूटीफुल एंड यस वेरी डियर टू मी, माई डियर सरिता खुराना जी, जो कि खाना खजाना क्वीन है, कुकरी एक्सपर्ट है, कुजीन ऑथर है। सो मैम वेलकम है आपका 16 ऑलवेज में। थैंक यू गीत एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको भी बहुत सारी मुबारक है मैम, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एक्चुअली पेट पकड़ा हुआ है कि आप कब आएंगे और लड्डू बनाना बताएंगी कि कैसे बनाने आज। खुशी का दिन है बहुत ज्यादा, और आज मोस्टली सबने व्रत भी रखा हुआ है जी। फर्स्ट डे जो भोग लगाया जाता है स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर नारियल, क्योंकि नारियल एकदम पवित्र और शुद्ध इंग्रेडिएंट माना जाता है उनके लिए, और उनको बहुत पसंद है जी। इसके लिए इंग्रेडिएंट हमें क्या क्या चाहिए, एक नारियल चाहिए हमें जो रॉ होता है, आप उसका पानी निकाल दें, उसको ग्रेट करें, ग्रेट करने के बाद आप एक बॉटम में एक ड्रॉप देसी घी की डालें, और एक कप जो है रॉ जो रवा होता है कच्ची जो सूजी होती है उसको आप इस तरह से रोस्ट करें कि उसका कलर चेंज ना हो पाए जी। लाइक लो फ्लेम पे आपने उसको रोस्ट करना है कि उसका कलर भी चेंज ना हो और उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। ओके। उसको करने के बाद उसको ठंडा करना है, उसके बाद उसके अंदर आपने बादाम काट के डालने हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट में सिर्फ बादाम यूज होगा, आपने काजू और किशमिश यूज नहीं करनी बिल्कुल भी जी। उसके अंदर वो डाल के रखे, उसके बाद शुगर को आप आधा कप शुगर को पाउडर कर लें और उसके अंदर ऐड करें, उसके बाद जो आपने ग्रेट किया वो कोकोनट होता है उसके अंदर ऐड करें, ऐड करने के बाद हाथ से अच्छी तरह उसको बाइंडिंग करने के लिए आप थोड़ा सा ठंडा दूध यूज करें, जो पानी है वो यूज नहीं करना, इसके लिए जो फ्रिज वाला दूध होता है आप उसकी बाइंडिंग के लिए यूज करें, और अखरोट के साइज के छोटे छोटे लड्डू बनाएं, टाइट लड्डू बनाएं, उनको 15 मिनट आप फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें, उसके बाद इसको गार्निश करें बादाम से और गणपति जी को भोग लगाएं, और उसके बाद खा जाएं। आपके बोलने बोलने में ही ना मेरे मुंह में पानी आ गया।